अस्सलाम वालेकुम, रोज़मर्रा कुकिंग में वेलकम करती हूँ। ये जनाब यहाँ का जो है वो फ्री शटल सर्विस जो का है स्टेशन, यहाँ पे सारे होटल्स की जो है वो बसेज आकर और यहाँ से ही पिक करती हैं और यहीं पे ड्रॉप करती हैं। तो ये काफ़ी बड़ा सा स्टेशन यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है और शेड्यूल के मुताबिक जो है वो बसेज आती हैं। ये रास्ता है, इसके सामने बिल्कुल जमजम होटल है, पाकिस्तानी जो है वो रेस्टोरेंट है ये भी। और बस इसका खाना मुझे ख़ास खाना इतना ख़ास नहीं था, बस ये कि सो था। बाकी ये कि ये सब जो है वो होटल्स की जो है बसेज यहाँ पर आती हैं और पिक करती हैं, ड्रॉप करती हैं। ये बाहर जो आपको ये दीवार नज़र आ रही है, यहाँ पे ये सब जो है वो लाइन से फ्रिज लगे हुए हैं जो जिसमें एनी टाइम जो है वो ज़ायरीन के लिए पानी होता है। आप अपनी मर्ज़ी से जब मर्ज़ी जो है वो पानी लें, इस्तेमाल करें बॉटल। तो ये बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से जो है ना ये बहुत ही मैं कहती हूँ एक अच्छा काम है इन लोगों के लिए, इन लोगों की तरफ से सवाब का काम है कि सब ज़ायरीन को जो है ना वो पानी मिलता है। ये हमारे साथ बहुत ही अच्छे जो है वो आंटी और अंकल थे, हमारे सफ़र में हमारे साथ थे, तो मैं इनसे पूछती हूँ कैसा लगा अंकल आपको उमरा करके? बहुत ही अच्छा, होटल्स वगैरह सब अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा आपके साथ, अल्लाह ताला आपकी तमाम दिली हाजात को पूरा करे। बहुत शुक्रिया, आप खुद बहुत अच्छे थे इसलिए आपको जो है ना अच्छा टाइम गुजरा हमारा। यहाँ पे दाना सेल हो रहा होता है, यहाँ से दाना खरीद के और जो है ना परिंदों को लोग डालते हैं। अच्छा, यहाँ पे अक्सर जो है वो नमाज के बाद पानी तकसीम हो रहा होता है, इस तरह से ठंडा पानी। यहाँ पे इस तरह से कुरान शरीफ मिल रहे होते हैं और इनके प्राइस छोटा कुरान शरीफ जो है वो 20 रियाल का मिल जाता है आराम से और बड़ा कुरान शरीफ 30 रियाल का। तो आप लेके यहाँ पे यहाँ से लेके और अंदर हरम में हदिया कर सकते हैं। और उसके अलावा और अक्सर जो है वो लोग हदिया करवाते हैं, करते हैं, और मैंने भी किया। तो बस अल्लाह ने जिसने भी रखा है और अल्लाह पाक उनकी नियत को कबूल करे और जो है वो हदिया कबूल करे अपना। मगरिब के नमाज के लिए जो है अब ये रश सारा आपको नज़र आएगा और ये हरम की हदूद स्टार्ट हो चुकी है।
ये तीन नंबर है। ईशा की नमाज के बाद का ये जो दृश्य है। लड़की तू फकत तेनी कमाए शाहिबत हाके मदीने की रसाए मैं न छोड़ूंगा कभी अपने नबी की चौखट मैं न छोड़ूंगा कभी अपने नबी की चौखट इसके बदले तू मुझे सारी घर के तू फकत तेनी कमाए मैं तेरे शहर की गलियों में फिर आवारा मैं तेरे शहर की गलियों में फिर आवारा मेरी तकदीर में तू आबला पाए फकत तेरे कमाए मैं फकत इसमें मोहम्मद ही का सदका पाऊं मैं फकत इसमें मोहम्मद ही का सदका पाऊं मेरे मौला दरे अहमद की गदाए दिल के एक तार पे गाता मैं फिरूं ना तेरी दिल के एक तार पे गाता मैं फिरूं ना तेरे मेरे होठों फकत तेने कमा की झलक एक झलक की झलक या नबी की झलक की झलक भर कई दिल पे तू जल बनो माए फकत तेनु कमाए लिख दे माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे हमारे साथ सैयद अब्बास रज़ा काज़मी नाथ खां। तो मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आज हमारा लास्ट जो है ये नाइट है यहाँ पे और बहुत दिल जो है वो वजनी हुआ हुआ है इस टाइम। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि परवरदिगार बार बार बुलाएं और जो भी दिल में ख्वाहिश रखते हैं जो आना चाहते हैं
उनको भी बार बार अपने दर पर बुलाएं। ये कौन है? मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। कमेंट्स जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।